बस खाने वालों का वेट है। आंखों में से पानी भी आ रहा है। 3-2-0 जितना खुश हो रही थी ना मैं परसों की छुट्टी होगी उतना ही दुख हो रहा है। स्कूल में कैसा उसका 5-6 आर्ट्स गया। बच्चों की जिद के सामने आदमी क्या करता है। हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 11 और मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। विकी भी जिम गए हैं, जिम से आने वाले होंगे। और आशिका की आज तो थोड़ी तबीयत ख़राब है, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको दिखाया कल के भी ब्लॉग में, बहुत वेदर जो है यहाँ का ख़राब हो गया है। रेनी सीज़न है, रेन चल ही रही है कंटिन्यू, तो आशिका को थोड़ा फीवर हो गया है। सो मैं आपको आशिका से भी मिलवाती हूँ और विक्की भी जिम से आ जाते तो मिलवाती हूँ। और मैं अब कर रही हूँ अपनी किचन में खाने की तैयारी और मैं बना रही हूँ इडली सांभर। सो पहले मैं आपको दिखाती हूँ, इडली मेरी रेडी हो गई है, सांभर भी रेडी हो गया है, बस खाने वालों का वेट है। वो सब रेडी हो जाएंगे तो मैं दिखाऊँगी आपको। सो गाइज देखिए, मैंने इडली अपनी रेडी कर ली है, इडली मेरी रेडी हो चुकी है, एकदम फर्स्ट क्लास बनी है इडली। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने सूजी से बनाई है, ये देखिए। और सांभर भी मेरा हो चुका है रेडी, ये देखिए। बस अब खाने वालों का वेट है। सो मैं आपको पहले आशिका से मिलवाती हूँ। आशिकी, आशिका, आशिका बेटा, बेटा अब दवाई लिए ना तो फीवर कम लग रहा है अभी आपको। अभी कैसा फील कर रहे हो आप? पर मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, आँखों में से पानी भी आ रहा है। आँखों में से पानी भी आ रहा है? आपको कफ तो नहीं है अभी? हल्का हल्का है। हल्का हल्का है तो उसकी बच्चे आपने बाहर का खाया को मना करते हैं ना, आइसक्रीम वगैरह आपने बहुत आइसक्रीम खाते हो ना, इसके लिए होता है ये। गले में देखो प्रॉब्लम हो गई ना, पापा बोलते हैं ना बाहर का भी नहीं खाने का और प्लस आइसक्रीम भी नहीं खाने, दोनों चीज़ें की आपने, है ना। रेनी सीजन में नहीं खाने का ना आइसक्रीम। फिर जल्दी लो बेटा, उसको कहना मानते ना। नहीं मम्मा, मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी। अरे दवाई लेने के टाइम पे एक्सरसाइज करोगे तब भी तो ठीक है नहीं बच्चे। प्लीज 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 लो, पकड़ो जल्दी, पकड़ो पियो जल्दी से, गुड गर्ल के जैसे। वेरी गुड, जल्दी जल्दी पी जाएगी मेरी बच्ची। 2-0 ठीक है, 3-2-1 वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। शुगर वो मीठी भी थी कड़वी भी थी, तो अच्छा नहीं लगा था भाई। तो गाइस मैं अपना वर्कआउट वगैरह करके वापस आ चुका हूँ और मैं नहा धो के रेडी भी हो चुका हूँ और अब ब्रेकफास्ट करने का टाइम है। तो देखते हैं पूजा ने ब्रेकफास्ट में बनाया क्या है। पूजा ने ब्रेकफास्ट में बनाया और व्यूअर्स को दिखा भी दिया, फ्रेंड्स को दिखा भी दिया और ये देखिए प्लेट भी रेडी हो गई है। मेरा फेवरेट है इडली सांभर। यस, तो पहले आपको टेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, भोग लगाएंगे। पहले भोग लगाऊंगी फिर आपको टेस्टिंग करके फिर विकी बताएंगे कैसा बना है। तो गाइस भोग लग चुका है और अब मैं इसको खा के देखता हूँ कैसे बना है। गरम है क्या? भूख मारो। भूख बहुत जोर से लग रही है, मैं इसको खत्म करता हूँ फिर मिलता हूँ। बच्चों दवाई पे आपको हाफ एन आवर हो गया तो अभी आपको थोड़ा बेटर फील हो रहा है? हाँ नहीं,
हल्का हल्का हो रहा है पर लेजीनेस अभी भी है बहुत ज़्यादा। और आज देखो मेरी तबीयत तो ख़राब हो गई है, आज मेरा SST का प्रोजेक्ट भी रह गया। और जितना खुश हो रही थी ना मैं परसों की छुट्टी होगी उतना ही दुख हो रहा है, SST का प्रोजेक्ट रह गया। सो गाइज, आशिका जा चुकी है स्कूल, जो कि पहले बोल रही थी कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मैंने भी यही डिसाइड किया कि आप स्कूल नहीं जाओ आज, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बट जैसे ही 12:40-12:45 हुआ, तो अभी 15 मिनट्स ही लेफ्ट था, तो बोलती मम्मा मेरे को स्कूल जाना है, मैंने सिरप पिया है, मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है। तो एक्चुअली उसका इवनिंग वाला आफ्टरनून वाला शिफ्ट है, तो मैंने बोला ठीक है अगर आपको बेटर लग रहा है तो आप जाओ, क्योंकि उसका एग्ज़ाम था, उसको मेन स्ट्रेस था कि मम्मा मेरा एग्ज़ाम के मार्क्स कट हो जाएंगे, मुझे पता नहीं डेट मिलेगी कि नहीं दोबारा टीचर लेगी कि नहीं लेगी। तो मैंने बोला ठीक है अगर आप बेटर महसूस कर रहे हो तो बेटा आप जाओ फिर। तो अब गई है स्कूल, 2 घंटे भी हो चुके हैं उसे स्कूल गए हुए, अब आएगी उसके बाद मालूम पड़ेगा कैसा महसूस कर रही है, अब उसकी तबीयत कैसी है, स्कूल में कैसा उसका 5-6 आवर्स गया। तो जब आएगी तो मैं आपको मिलवाती हूँ। सो गाइज, आशिका आ चुकी है स्कूल से। बाबू आपको कैसे फील हो रहा है अभी? बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं? आप बोल रहे थे ना मुझे बेटर लग रहा है, इसके लिए मम्मा ने भेजा था ना आपको स्कूल। हाँ। फिर अब थर्ड लास्ट पीरियड में बुखार जैसा लगने लगा। ठीक है भाई, काम करो, दवाई वगैरह लो, आज का थोड़ा रेस्ट करो, ठीक है? हाँ। आपको बोल रही थी मत जाओ स्कूल नहीं जाओ। गाइस, रात के 11 बज चुके हैं और अभी आशिका की तबीयत थोड़ी ठीक हुई है गाइस। पूजा ने उसको दवाइयाँ दे दी हैं और वो सो चुकी है। श्री गाइस, बारिशों में जितना हो सके ना उतना बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। मैंने मना भी किया था कि बाहर का मत खाओ, लेकिन बच्चों की ज़िद के सामने आदमी क्या कर सकता है, उसका मन था तो फिर हमने बाहर से खाना मंगा लिया। और सुबह उठी तो फिर कहने लगी कि पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, फिर लूज मोशंस भी हो गए। बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए ना गाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। बट अभी दवाई लेने के बाद तो काफ़ी बेटर फील कर रही है, तो होप सुबह तक शील बी ऑल राइट। तो गाइस बस अभी मैं ही बस सोने जाऊंगा और फिर आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब भी अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।